शाविशा चैनल के मुअज्जज दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अकराम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी मुकद्दस किताब और शाहकार है कि जिसे अगर कोई सोच समझ रखने वाले और वसी सोच का मालिक गैर मुस्लिम भी तासुब की आने को उतार कर देखे तो बिलाशुबा इसकी हकदानियत को माने बगैर नहीं रह सकता। अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं तो आप विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का बादशाह के बारे में ज़रूर सुने होंगे। ये 27 साल जवान दुनिया के हर मुल्क में अपनी फैन फॉलोइंग रखता है और अपनी रिकॉर्ड्स की वजह से दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स माने जाते हैं। इसी वजह से तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने में लगे हुए हैं। नाज़रीन, मैगजीन फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली ने 2019 में मुख्तलिफ ब्रांड्स की एड्स में काम करके 3 अरब रुपए कमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विराट कोहली को किसी ब्रांड की तरफ से ऐड की ऑफर हुई तो उन्होंने कुरान पाक से मुतालिक अपने किन ख्यालात का इजहार किया। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके विराट कोहली को ऐड बनाने की ऑफर की। इस ऐड का स्क्रिप्ट तो यूं था कि विराट कोहली अपने एक दोस्त को कुरान मजीद फुरकान हमीद का तोहफा देना था और इसे परफ्यूम भी लगाना था। दोस्तों, यहाँ हैरान कौन बात यह है कि एक गैर मुस्लिम होते हुए भारी मुआवजा को ठुकरा कर विराट कोहली ने यह ऐड करने से इनकार कर दिया। इनका कहना यह था कि कुरान मजीद मुसलमानों की मुकद्दस किताब है जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल एक इंग्रेडिएंट के तौर पर मौजूद होता है और कुरान मजीद की तालीम मुसलमानों को अल्कोहल से दूर रहने का कहती है और वो ये ऐड करके मुसलमान भाइयों को दिल नहीं दुखाना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी परफ्यूम कंपनी ने विराट कोहली को डबल मुआवजा देने की भी पेशकश की मगर उन्होंने फिर भी ये ऐड करने से साफ इनकार कर दिया। और जब ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तो मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। कुछ लोग ये बहस करते नजर आए कि विराट कोहली ने कुरान मजीद हाथ में ना लेकर अपने हिंदू होने का सबूत दिया तो किसी ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया क्योंकि वो इस्लामी तालीमात से आगाह थे और इनको पता था कि अल्कोहल या शराब इस्लाम में हराम है और इससे मुसलमानों को तकलीफ हो सकती है। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके साथ ही अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेकबान।